पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इन दिनों इलाज कराने आए मरीजों द्वारा हंगामा देखने को मिलता है। बुधवार को एक महिला हाथ में इट लिए सुरक्षा कर्मियों को मारने पर उतारू हो गई। जानकारी के मुताबिक उक्त महिला अपनी बेटी के हाथ का एक्सरे कराने के लिए मायागंज अस्पताल पहुंची थी, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर वह पहुंची वहां पर काफी भीड़ था, जिसमें महिला घुस गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे लाठी मारकर लाइन से बाहर कर दिया। तभी महिला उग्र हो गई और बाहर से ईंट लाकर सुरक्षा कर्मी को मारने के लिए उतारू हो गई। महिला ने सुरक्षा कर्मियों पर दुष्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक महिला आई और लाइन में लगने लगी, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे लाठी से ठेल दिया और गाली गलौज करने लगे, जिससे महिला उग्र हो गई और सुरक्षा कर्मियों पर बदले की कार्रवाई करना शुरू कर दिया। महिला हाथ में ईंट लिए गाली गलौज करते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंच गई और उस पर हमला करने वाले सुरक्षा कर्मियों को खोजने लगी। हालांकि सुरक्षाकर्मी वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद मायागंज अस्पताल में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हालांकि घटना के बाद मौके पर पहुंची बरारी पुलिस ने मामले को शांत करवाया। मामले को लेकर बरारी थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद गश्ती पदाधिकारी को मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां पुलिस ने महिला को समझा बुझा कर शांत कराया। हालांकि महिला लिखित शिकायत करने को तैयार नहीं है। यदि लिखित शिकायत मिलती है तो दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ, क्या था? इतना हुआ था, इतना चिट्टा करना था, ठीक। हम इतना दूरी में था, जब बंद हो गया ना हल्ला गुल्ला, तो हम पूछने के लिए गया कि चिट्टा नहीं करता है, तो दीदी सब बोला कि ना, तो कोई लेडीज को डंडा लेके ऐसे धकेल के साथ दिया, तो हम बोले चाचा अब लेडीज ना है ना, जैसे अधिकार ना है आपको ऐसे डंडा ऐसे करने का, तो बोला की बस भला बुरा बोलने लगा, तो बोले की हम अपना ही पहचानते हैं, मेरा घर खंजारपुर है, तू डंडा बरसा दिया मेरे देह पे। कहाँ चोट लगा, दिखाई भागलपुर के महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट में महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती के अवसर पर बुधवार की सुबह से ही ध्यान, साधना, स्तुति, गुरु निवास एवं समाधि स्थल, पूजन, दर्शन और पुष्पांजलि समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं महर्षि मेही संत सेवी परमहंस की जयंती समारोह में महात्माओं एवं आश्रम वासियों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। साथ ही आश्रम परिसर में विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जगहों से पहुंचे गुरु सेवियों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इधर प्रवचन के दौरान महर्षि मेही आश्रम में संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज एवं गुरु सेवी भगीरथ दास महाराज के अलावा जयंती समारोह में आए महात्माओं ने महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जीवन उपदेश पर प्रकाश डाला। संत सेवी जी की जयंती समारोह में दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, रांची समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु और साधु महात्मा शामिल हुए। भागलपुर शाहकुंड के राधानगर निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार करने सजौर थाना पुलिस भगवान चौधरी एवं सिंपल कुमारी के नेतृत्व में अपने पूरे टीम के साथ विकास कुमार के घर पहुंची और उसे दबोच ले गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से डरे विकास कुमार ने बताया कि सजौर थाना प्रभारी सूरज सिंह के निर्देश पर सजौर थाना पुलिस रात में छापेमारी करने उसके घर पर पहुंची और उसके पिता को गाली गलौज किया, साथ ही उसे पकड़कर थाने ले आई। विकास ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसे गलत तरीके से फंसाकर वर्दी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। उसने कहा कि उस पर किसी प्रकार का कोई केस या मुकदमा नहीं है, इसके बावजूद उसके साथ बर्बर तरीके से मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया। थाना से छूटने के बाद विकास के परिवार वालों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहकुंड में उसका इलाज कराया। इधर मामले को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों को मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा मामले के निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया गया है। रात में आए सर, 11 बजे रात में हमको उठा के लेके गए जी। हम रात में पूछ रहे थे सर, मेरा कौन ले गया, यहाँ से आए थे भगवान चौधरी और डिम्पल मैडम था और सिपाही सब थे, उसके बाद यहाँ से लेके गए तो हमको बड़ा बाबू मारने के लिए स्टार्ट कर दिया। सूरज कुमार सिंह हमको वहाँ ले जा करके बहुत पीटा, 3 बजे सुबह तक हमको पीटते रहा। पीटने के बाद उसके बाद ला करके हमको हाजत में बंद किए, तो हम बोल नहीं सक रहे थे, हमको दो साइड से सिपाही पकड़ करके लाए
उसके बाद हजरत यहाँ लाया? नहीं, हजरत में जा करके बंद किए, वो अलग वाले रूम में हमको मार रहा था। वहाँ से आके बंद किए, बंद करके उसके बाद यहाँ दो आदमी पकड़ के हमको ले जाके बंद किया। हम पूछ रहे थे सर हमारा गलती क्या है, तो हमको कुछ बताइए नहीं रहता, बोला मदर चू मुँह बंद रखो। गाली गलौज खूब किया सूरज सिंह, हाँ वहाँ गाली गलौज किया। यहाँ हमारा मम्मी सब पूछ रहा था कि सर कौन बारे में लेकर के जा रहे हैं, तो हमारा मम्मी सबको भी गाली उली दिया, बोला अभी ज़्यादा बोलेगा तो सबको सीखेंगे घर में। हमारा बहन था, भाभी था, सबको गाली गलौज किया, गाली गलौज दे करके उसके बाद हमको उठा के लेकर चल गया। उसके बाद कब छोड़ा? छोड़ा सर हमको 4 बजे शाम में। 4 बजे शाम में? 4 बजे शाम में छोड़े। उसके बाद ने हमको पानी दिया, ने खाना दिया, केवाड़े का अंदर में हमको बंद कर दिया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत 12 पंचायत बाराहाट गांव में लगभग 6 दशक से कुछ भूमिहीन परिवार सरकारी जमीन पर अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। बुधवार को सरकारी जमीन को ग्रामीणों से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। गरीबों को सरकारी जमीन से बेदखल करने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि हम सभी इस पोखर के बांध पर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, आवास, पेंशन, बिजली बिल सहित राशन कार्ड सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है, इसके बावजूद भी भूमाफियाओं के द्वारा हम सभी गरीबों को अपने घर से बेघर करने की साजिश की जा रही है। इधर असहाय गरीबों के सहायता के लिए पूर्व विधायक रामविलास पासवान, पूर्व प्रमुख बबलू यादव, पंचायत समिति मंटू रजक सहित कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार एवं प्रशासन से असहाय लोगों को घर से बेघर नहीं करने की गुहार लगाई गई थी। इधर पूर्व विधायक रामविलास पासवान के द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि गरीबों का घर तोड़ना है तो पहले हम लोगों को कुचलना पड़ेगा, तभी बुलडोजर गरीबों के घर पर चल सकेगी। वहीं ग्रामीण सोनी देवी, आशा देवी, सविता देवी, बबलू यादव सहित सभी ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया गया। अगला कदम जो है, हम लोग जो है, देखिए ऑफिसर क्या है, सरकार तो नहीं है, वह सरकार नहीं है, हम लोग सरकार से बात करेंगे, हम लोग रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और हम लोग प्रभारी मंत्री जो है उनसे बात करेंगे। ये मतलब मनमानी जो है गरीब को परेशान करने के लिए ये हम लोग नहीं देंगे जाकर के, इसके लिए चाहे जो करना होगा हम लोग सरकार तक भीड़ करके जो है करवाने का प्रयास करेंगे। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन BSSRU एवं अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI के आह्वान पर बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में देश भर के MR हड़ताल पर रहे। इस दौरान भागलपुर में भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों की ओर से शहर में प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे MR भास्कर सिंह और शुभजीत सेनगुप्ता ने कहा कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 के तहत मेडिकल एंड रोल्स रिप्रेजेंटेटिव को श्रमिक का दर्जा मिला, जिससे विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप उन सभी को कई अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1946 के धारा 2
इसमें संशोधन कर सभी एमआर को कामगार का दर्जा मिल सका। साथ ही डीबी लाल और के झा ने कहा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने 8 घंटे का काम, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों के मूल्य में कमी और इसके सहज उपलब्धता एवं महंगाई के विरोध में संगठन के नेतृत्व में लगातार आंदोलन किया। इधर भारत सरकार पर मजदूर एवं जन विरोधी नीतियों और कंपनी मालिकों द्वारा विक्रय संवर्धन प्रतिनिधियों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ भी बुधवार को भागलपुर समेत पूरे भारत में एमआर हड़ताल पर रहे। बता दें कि मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की मुख्य मांग में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1970 को लागू रखने, निर्धारित कार्य की वैधानिक कार्य नियमावली तैयार करने, एमआर एवं एसआर के सरकारी अस्पताल, कार्यस्थल और अन्य संस्थाओं में प्रवेश पर लगी रोक को निरस्त करने और उनके सभी प्रकार के डाटा की प्राइवेसी रखने की मांग शामिल है। वहीं दवा एवं अन्य उद्योग के नियोक्ताओं से मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का सेल्स के आधार पर उत्पीड़न और छटनी बंद करने के अलावा इन सभी की ट्रेनिंग एवं निगरानी के जरिए उनके निजता के अधिकार का हनन बंद करने की मांग की गई है। मौके पर शुभजीत सेनगुप्ता, कुंदन, विनय, शैलेश, सुनील समेत काफी संख्या में एमआर मौजूद थे। भागलपुर नवगछिया के मुक्तनगर ढोलबज्जा में संत मुक्त स्वरूप देव साहब के 110वें जन्मोत्सव के मौके पर 4 दिवसीय विश्व कल्याण चेतना लोक कल्याण महासम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए बिहार के एससी एसटी कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने संत योगेश ज्ञान स्वरूप तपस्वी के आग्रह पर भजन गाकर सत्संग प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौके पर मंत्री रत्नेश सदा के साथ मंच पर नवगछिया जदयू जिलाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार भारती, ढोलबज्जा के पूर्व मुखिया राजकुमार मंडल, सरपंच सुशांत कुमार सहित कई संत एवं सत्संग प्रेमी मौजूद रहे।